दो थानों में करीब 1.5 दर्जन से अधिक निर्मित और निर्मित असलों का जखीरा पकड़ा गया है और फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर द्वारा आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश लगातार थानाध्यक्षों को प्राप्त होते रहे हैं। उक्त क्रम में आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को दो थानों की पुलिस रामकोट व सकरन ने अपने अपने क्षेत्र में क्रमशः एक एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने की कार्रवाई की है। थाना रामकोट में ग्राम रामपुरवा में पिरई नदी के पास से रेलवे की लाइन के पास एक भट्टे के खदान से एक अभियुक्त जिसका नाम राजकुमार है उसको अवैध शस्त्र बनाने की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से लगभग 23 अदद अवैध निर्मित व अनिर्मित तमंचे, 3 अदद जिंदा व खोखा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध असलहे बनाने का सामान बरामद किया गया है। वहीं थाना सकरन की पुलिस टीम द्वारा वहद ग्राम अलीपुर से चौका नदी के पास से एक खेत से एक अभियुक्त जिसका नाम साबिर अली है उसको अवैध शस्त्र बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कुल 11 अदद निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध तमंचे, 4 अदद जिंदा व खोखा कारतूस व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया गया है।